दही बड़े के मसाले कितने के? 80 रुपए। 80 रुपए का। सदर बोरी बाजार मुर्शिद बाजार के चौक पे उल्टे आते आदम निम्को के नाम। गर्मी की आमद के साथ ही तरबूज मार्केट में आ गया है और अफ्तारी के लिए लोग तरबूज की खरीदारी में मसरूफ हैं। ये अमरूद यहाँ पे दस्तियाब है, 100 रुपए पाव है यहाँ पर। इमली क्या चीज है? काली मिर्च वाला मिक्स है, 200 रुपए। ये क्या चीज है? ये भेलपुरी है। पूरी पापड़ी 320 रुपए की। 320 रुपए की। मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मौजूद हैं हम कराची के मशहूर इलाके सदर में और यहाँ पे क्या होता है असर की नमाज़ के बाद, अफ्तार से पहले, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ और देखिए और जानिए। ये है सदर का मशहूर खैबर, न्यू खैबर होटल। बहुत ही पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है और ये है डिस्पेंसरी सदर की और ये है बोरी बाजार। बहुत ही पुरानी पुरानी इमारतें यहाँ पर और नई इमारतें भी बन चुकी हैं और यहाँ पे चाइनीज डेंटिस्ट भी बैठे हुए होते हैं काफ़ी। ये कई सब दुकानें जो हैं चाइनीज डेंटिस्ट की हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वो सामने हैं इम्प्रेस मार्केट। ये रास्ता इमेजिना रोड की तरफ जा रहा है और ये सामने रही है इम्प्रेस मार्केट। कराची की बहुत मशहूर और बहुत ही पुरानी मार्केट है, ब्रिटिश दौर की बनी हुई और ये है नौमान शॉपिंग स्क्वायर और नीचे मुख्तलिफ मोबाइल्स की दुकानें हैं यहाँ पर, मोबाइल एसेसरीज की, दवाखाना बड़े हकीम साहब। ये अल रहमान बिरयानी सदर की और ये देखें आप इंक्रोचमेंट देख रहे हैं आप, तमाम दुकानें रोड पे खुली हुई हैं, फुटपाथ पूरी घेरी हुई है और ये मुख्तलिफ पुराने कपड़े बिक रहे हैं, लोंडे की मार्केट है ये। जीन्स की मार्केट है सामने, जीन्स और पैंट और टी शर्ट्स दस्तियाब हैं वहाँ पर। ये सब बाजार लगा हुआ है जो इस वक्त ढक दिया गया है, नमाज पढ़ने गए होंगे इसलिए। और अब यहाँ पे फ्रूट स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं, समोसे पकौड़े वगैरह बिकना शुरू हो चुके हैं। अफ्तार से पहले लोग सब खरीदारी करने में मसरूफ हैं। और ये रही ताहिरी मस्जिद गोरी कम्युनिटी की। ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है इस वक्त यहाँ पर। फ्रूट स्टॉल जिनकी वजह से ट्रैफिक मैस हो जाता है। यहाँ पे सब्जियों के
स्टॉल्स लगे हुए हैं सब रोड साइड, और रक्षा माफिया पार्क हुई भी है, दूध की गाड़ी आ चुकी है, और इस साइड पे फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप असर के बाद अफ्तार से पहले कराची के इलाके सदर में क्या सूरत हाल है। डेढ़ सौ रुपये दर्जन अंडे भी, अंडे नहीं केले बिक रहे हैं, सॉरी। ये रास्ता आगे नमप्रेस मार्केट की तरफ जाता है। क्या चीज है ये? काली मिर्च वाला मिक्सर 200 रुपए। और ये? ये नमकीन चौड़ा 160 रुपए का पैकेट है। और ये? ये चने की दाल 160 रुपए। 160 रुपए। और ये? ये मिक्स है 200 ग्राम 160 रुपए। और ये मूंगफली? 150 रुपए। 150 रुपए। ये क्या चीज है? ये दही बड़े का मसाला है। दही बड़े का मसाला कितने का? 80 रुपए। 80 रुपए का। और ये क्या चीज है? ये भेलपुरी है। ये कितने की भेलपुरी? 440 रुपए की। 440 रुपए की। और ये पापड़ी? पापड़ी 320 रुपए की। 320 रुपए की। कहाँ पे तुम्हारी दुकान? सदर बोरी बाजार मुर्शिद बाजार के चौक पे उल्टे आते आदम निम्को के नाम। आदम निम्को के नाम। फोन नंबर है? 03243187567 है। सुन लिया भाई फोन नंबर आपने। यहाँ पे सब निम्को की वैरायटीज दस्तियाब हैं। तो व्यूअर्स, ये है बोरी बाजार की पीछे बैक साइड पे, यहाँ पे बोरी बाजार है। और ये सब देख रहे हैं आप कितनी चौड़ी सड़क है, और यहाँ पे सब दुकानें ही दुकानें सड़क के ऊपर लगी हुई। केले, कपड़े, जूते, चप्पल, बच्चों के खिलौने, गाड़ियाँ, सब कुछ यहाँ। और ये देखें भाई होटल का सेटअप देख रहे हैं आप, सब कुछ रोड पे ही लगा हुआ है। हो रही पीछे एम्प्रेस मार्केट। सिग्नल बंद है इस वक्त, और जमात इस्लामी के अमीर का पंपलेट लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। ये आ गया जहांगीर पुट्टा, जहांगीर पार्क। और यहाँ पे फलों के ठेले लगे हुए सब लाइन से। कहते हैं कि यहाँ सस्ते फ्रूट मिलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चूना आपको कभी भी कहीं भी लग सकता है। बरसा बरस से ये मार्केट बन रही है केएमसी की, जो अब तक ना मुकम्मल है। सेंट्रल हॉट चर्च है, और इसके साथ ही यहाँ पे सब ठेले वगैरह मौजूद हैं। गलत क्या हिसाब है? 150। और ये वाला ये क्या है? 150 रुपए। ये क्या हिसाब है? ये नहीं है। अच्छा, ये साथ लोग तरबूज की खरीदारी में मसरूफ हैं। 150 रुपए किलो तरबूज है। क्या हिसाब है? ये 150 रुपए किलो बॉस। हाँ। क्या नाम क्या इसका? तरबूज। तरबूज को एक, ये तो तरबूज है, वो दूसरा क्या है? ईरान का। गर्मी की आमद के साथ ही तरबूज मार्केट में आ गया है,
और अफ्तारी के लिए लोग तरबूज की खरीदारी में मसरूफ हैं। ये अमरूद यहाँ पे दस्तियाब है, 2 किलो का 250 रुपये अमरूद यहाँ पर। 2 किलो का 250 अमरूद साफ सुथरा नजर आ रहा है। कहाँ का है? लोग अफ्तारी के लिए फ्रूट की खरीदारी में मसरूफ है। पाओ 100 रुपये पाओ है यहाँ पर इमली। पुलिस की मोबाइल भी पीछे खड़ी हुई है। और ये है कराची ग्रामर स्कूल। ₹100 क्या कहते हैं? और ये सदर में एक और नई बिल्डिंग बन चुकी है और यहाँ पे नीचे मोबाइल शॉप्स खुली हुई हैं। बुलंदोबाला इमारतों का मरकज है सदर कराची। एक और मोबाइल मार्केट, बिलबोर्ड्स बड़े बड़े लगे हुए हैं। अब्दुल्ला हारून रोड की तरफ अब हम आ गए हैं। ये सामने सिनेमा हाउस है, बम्बीनो सिनेमा हाउस है ये। और ये रोड है आ खान सुहेन रोड। ये मार्केट बहुत कम बंद होती है, ये देर तक खुली रहती है। रात के 11:30 बजे भी आपको ओपन मिलेगी। यह सिनेमा हाउस, ये एक नई मोबाइल मार्केट लैरिक के नाम से, पहले यहाँ लैरिक सिनेमा होता था। और ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग। और ये है कैफे दस्तरखान, कैफे पहल भी। ये है अम्मा टावर। वो सामने से गुजर रही है R4 रेड बस। आज असर के बाद अफ्तार से पहले हमने सदर को दिखा रहे हैं हम आपको, क्या पोजीशन है इसमें। आवाम का रश देख रहे हैं आप रोड के ऊपर। और ये चर्च, और ये देखें पुलिस वाले की बड़ी तादाद। और कोई काम ही नहीं है इनके पास सिवाय इस तरीके से टर्निंग पॉइंट्स पे और सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं और फिर लोगों का चालान करते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल वालों का। और कुछ गप्पियों में मसरूफ रहते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और ये जहांगीर पार्क का दूसरा हिस्सा, पहले हमने आपको बैक साइड दिखाई थी, इसका फ्रंट हिस्सा है। और ये यहाँ की मस्जिद, सदर की बड़ी मशहूर मस्जिद है ये। और ये सामने है चर्च उसके बिल्कुल। तेज रफ्तारी से सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुआ है।
कपड़ी पकड़ी है। इस वक्त हम सदर के इलाके रिगल पे मौजूद हैं और यहाँ भी काफी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और ये आ गया है मोहम्मद शफी खान बेल्टी कबाब। ये सैमसंग बारबेक्यू। ये मोटरसाइकिल मार्केट का रोड जी। सीधा चले आएंगे तो बंस रोड की तरफ रास्ता जाता है। और ये मस्जिद नजर आ गई है पासपोर्ट ऑफिस के पास, काफी बड़ी और काफी मजबूत मस्जिद है। 6:14 शाम के हो चुके हैं और ये हाईकोर्ट की बिल्डिंग। गवर्नमेंट ऑफ सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इमारत। और ये है एमपी हॉस्टल। अभी जेर तामीर है। ये सिंध गवर्नमेंट के ऑफिस हैं यहाँ पर। ये थी एक वीडियो जो हमने आपसे शेयर की। बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और मुकाम से। तो मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। बी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये इलेक्शन स्क्वायर।